नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं भरवा शिमला मिर्च। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें हरी फ्रेश शिमला मिर्च ले लेनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी नाइफ की हेल्प से ऊपर से इस तरीके से कट लगाना है, क्योंकि पूरा आप कट करोगे तो फिर ये भर नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना है, ऊपर से इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि कि ऊपर से जब आप खींचो तो अंदर के जितने भी बीज हैं वो सारे निकल जाए। कुछ इस तरीके से हमें कट करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, साइड साइड से आप ऐसे कट लगा लियो। तो किसी भी स्पून के बैक साइड के हेल्प से आपको इस तरीके से आपको अंदर डालना है और फिर इसको ऐसे उठा लेना है। बहुत ईजिली ये निकल जाता है, बस ध्यान देना है कि ये फट ना जाए। तो आराम से इसे करिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये ईजिली निकल जाएगा। तो मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ कि मैंने कितने धीरे धीरे करके इसको आराम से निकाला है। मैं चाहती तो इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर देती बट मैं इसे रियलिटी दिखा रही हूँ कि नहीं यार इतना टाइम ये इसमें लगता है। तो देखिए इस टाइप से मैंने इसको कर दिया और ये अंदर चला गया है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने हाथों की हेल्प से इसे पीछे पलट लेना है और फिर अपने हाथों की हेल्प से इसे ऐसे निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से। कभी कभी बहुत ईजिली निकल जाता है, कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट थोड़ा टाइम लगे सही है, बट फटना नहीं चाहिए, इतने आराम से आपको निकालना है। फिर साइड से आप देख सकते हो हल्का सा वो वाइट वाइट बीज लगा हुआ है, तो उसको हम इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। फिर हम इसे पलट करके ऐसे कर लेंगे, देख सकते हैं पूरी बीज जो है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है अंदर का वो निकल गया है। अब हम चलते हैं फिलिंग तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया है मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम लोगों ने हाफ टी स्पून ऐड कर लिया है जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, हल्का सा गोल्डन होने देना है। फिर इसके बाद हमें कुछ गर्म मसाले ऐड कर लिए हैं, जैसे कि हल्दी, गर्म मसाला, धनिया पाउडर हाफ हाफ टी स्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से फिर सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे इसमें। फिर इसके बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, वो भी हाफ टी स्पून। सारे मसाले मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड किया है। फिर इसमें हमें क्या करना है, बॉइल्ड मैश्ड आलू को ऐड कर लेना है इस तरीके से। फिर से हम मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे मसाले जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाए आलू के साथ। तो देख सकते हैं इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, कसूरी मेथी इस तरीके से रगड़ते हुए ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, टेस्ट एनहांस हो जाता है। फिर से हमें क्या करना है, ठंडा होने देना है प्लेट में निकाल कर। अब हम चलते हैं इसे भरने की तरफ। तो देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा स्पून की हेल्प से इसे भरते जाना है और इसके अंदर अच्छे से भरना है। ये नहीं कि आप खाली छोड़ दो, अच्छे से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से आपको भर लेना है, क्योंकि मेन यही होता है। अगर आलू या आप अच्छे से नहीं भरोगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से धीरे धीरे करते हुए इसमें पूरी आलू की फिलिंग अच्छे से भर लें। इसी तरीके से तीनों शिमला मिर्च के अंदर हम लोगों ने आलू की फिलिंग कर दी है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हम लोगों ने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है शिमला मिर्च को। तो आप कैसे भी आप इसे रख सकते हैं इसमें, लेकिन ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि इसे ढक करके पकाना है, और तो और हमें सभी साइडों को अच्छी तरीके से पकाना है। तो ये अभी हम लोगों ने एक साइड पका लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और इसे दूसरी साइड में सिकने देंगे इस तरीके से। फिर हम ढक लेंगे, फिर से हम इसे उठाएंगे और देखेंगे एक साइड हो चुकी है, तो फिर हम पलट लेंगे दूसरी साइड। इसी तरीके से प्रोसेस हमें बार बार करते रहना है। ये कम से कम हमें 5 बार ढकना है, 5 बार उठाना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि 5ों साइड हमारी पक जाएगी अच्छे से। तो देख सकते हैं हमारी 2 साइडें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसे हम पलट लेंगे तीसरी साइड भी पक चुकी है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि आपकी सारी साइडें अच्छे से पकनी चाहिए। और इसके आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुकी है, तो इसको मैं बता दूं आपको कि जब आप इस पर प्रेस करोगे
ठीक है, जब आप इसे प्रेस करोगे कुछ इस तरीके से तो ये दबने लगेगी, तो आप समझ जाना ये पक चुकी है। तो ये चारों साइडें पक चुकी हैं। अब आप देख सकते हो ये हमारी भरवा शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। बहुत ईजिली ये बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दें। Thank you for watching this video.